गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर किसान नेता राजेश पायलट की जयंती पर मोदी नगर चेयरमैन विनोद जाटव वैशाली ने राजेश पायलट की मूर्ति पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और गुज्जर समाज के लोगों ने भी माला अर्पण कर भंडारे का भी आयोजन किया। इस मौके पर बबली गुज्जर सभासद मोनू धामा, सभासद गुलाब सिंह, सोनू कुमार, देवव्रत धामा, तेजपाल सिंह, राहुल गुज्जर, बलराज गुज्जर, हरवीर गुज्जर, सैकड़ों समाज के लोग मौजूद रहे। चेयरमैन साहब, आप आज राजेश पायलट जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन में कुछ कहना चाहेंगे आप? राजेश पायलट, राजेश पायलट जी जैसे महान शख्सियत के जन्म में हमें सीट उठाने का मौका मिला, उनके जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आज इस जैसे मार्गदर्शन उनका मिला हुआ है, इसी से आज इस जगह खड़ा हुआ है। अगर इन जैसी शख्सियत देश में नहीं होती तो शायद हम ना हों। धामा जी, आज उनका जन्मदिन है राजेश पायलट जी का, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, राजेश पायलट जी का संदेश था कि जब तक गरीबों मजदूरों के नेता पढ़ लिख कर उस जगह तक नहीं पहुंचते जहां से सरकारी नीतियां क्रियान्वित होती है, तब तक देश का चहुंमुखी विकास नहीं हो सकता। तो मेरा भी यही संदेश है, सब बच्चे पढ़े लिखे और इनके आदर्शों पर चले। और जैसा भी चेयरमैन साहब ने कहा, आज जहाँ जिस स्थिति में हम खड़े हैं, इनकी राजेश पायलट जी की बदौलत है, समाज के लिए बहुत काम किया, हम इन्हें नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। निर्दोष जी, आज राजेश पायलट जी का जन्मदिन है, कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे जनता से? पायलट जी का आज जन्म दिवस है और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट जी थे, वो किसी एक जात बरादरी के नेता नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे, किसान नेता थे, मजदूर नेता थे। उन पर किसी भी बिरादरी का कोई टैग नहीं था। उन्होंने जब किसी को उनकी ज़रूरत पड़ी तो समय पर उनकी मदद की और सबके साथ रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा वरदान है, जो इस वरदान को प्राप्त करेगा वो कभी भी जीवन भर परेशान नहीं होगा। तो अभी धामा जी ने भी बताया कि सभी को शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिसके पास शिक्षा आ गई उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा अपने साथ सब कुछ ले आती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। बबली भाई, आज राजेश पायलट जी का जन्मदिन है, कुछ कहना चाहेंगे इनके जन्मदिन पर? देखिए, जनता के लिए पायलट साहब जैसा तमाम लोगों को जानकारी भी है, एक ऐसी शख्सियत इस देश में हुए जिन्होंने गरीब परिवार में, किसान परिवार में जन्म लिया और जो एक हमारा उस समय का एक मेन काम था, दिल्ली की गलियों में दूध बेचकर शिक्षा ग्रहण करी और देश के सर्वोच्च पद गृह मंत्री तक वो पहुँचे। तो मैं ऐसे महान हमारे जो बड़े नेता हुए हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनको उनकी जयंती पर, उनके जन्मदिन पर सत सत नमन करता हूँ। और क्षेत्रवासियों को, तमाम लोगों को मैं सिर्फ अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पायलट जी के आदर्शों पर चलना चाहिए, उनकी जीवनी से कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। वो एक ऐसे नेता थे और आज इस अवसर पर मैं एक मांग भी करता हूँ केंद्र सरकार से, जैसा अभी चल रहा है, अभी 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं, ये गुजर समाज के इस पॉलिटिक्स के, इस राजनीति के एक महान योद्धा रहे हैं पायलट साहब, उनको भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मैं तमाम नौजवान साथियों से, अपने बुजुर्गों से बस यही निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि राजेश पायलट जी के सिद्धांतों को हमें बढ़ चढ़ कर समाज में उनकी सोच को आगे पहुँचाना चाहिए। 10 तारीख को एक गरीब परिवार में पायलट जी का जन्म हुआ और पायलट जी ने गरीबों, मजदूरों, किसानों की लड़ाई लड़ी और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शांति बनाने का काम किया। अगर कश्मीर में आग जल रही थी तो वहाँ बुझाने का काम किया, पंजाब में हो रही थी तो वहाँ बुझाने का काम किया और गरीबों को संदेश दिया कि जब तक शिक्षित होकर के उन पदों पर किसान के बेटे, गरीबों के बेटे, मजदूरों के बेटे नहीं पहुँचेंगे, जब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। आज उनके सपने साकार हो गए, उन सपने साकार में आज हम अपनी तरफ से इस पूरे देश को, पूरे उसको एक मतलब जो है वो देना चाहते हैं कि राजेश पायलट जी जैसे महान नेता सभी जातियों में पैदा हों, इस जाति पाति का समाप्त हो। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। राहुल भाई, आज राजेश पायलट जी का जन्मदिन है,
को क्या संदेश देना चाहेंगे जैसे अपने समाज के लिए? पहले तो मैं आज स्वर्गीय राजेश पायलट जी की जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ एक युवा होने के नाते कि पायलट साहब की जो नीति थी, पायलट साहब हमारी प्रेरणा है, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। और जिस तरीके से पायलट साहब ने किसान मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी है, अपना योगदान दिया है, उसी पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और शिक्षा के माध्यम से और राजनीति के माध्यम से पायलट साहब ने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया, जहाँ से इस देश की नीतियों की नीतियाँ बनती हैं, जहाँ से इस देश का विकास होता है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा अपने युवा साथियों से जयंती इस अवसर पर ऐसे किसान महिषा मसीहा की जयंती मनानी चाहिए और हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए। हरवीर भाई, आज पायलट जी का जन्मदिन पर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के? संदेश देना चाहूँगा जी, अपने नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन हमारे पायलट जी की मूर्ति पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने लाइटें वगैरह लगाई हैं, इन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के ऐसे ऐसे काम करने लगे हैं कि पूरे शहर की जितनी भी महान मूर्ति हैं, महान विभूति हैं, उन सब की मूर्ति पर माला अर्पण रोज का होने लगा है। इससे शहर के बहुत लोग खुश हैं और ये इनकी अंतरात्मा भी बहुत खुश होगी जो ये लोग हैं। मैं इनके सामने ही नहीं कह रहा, इनसे पूर्व के चेयरमैन जी ने यह तस्वीर लगवाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वो एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद और अपने खुद के संघर्षों से देश की सेवा की, पहले फोर्स में भर्ती हुए, उसके बाद रिटायर होकर के एमपी का चुनाव लड़े, बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त से जीते, उसके बाद बिना गॉड फादर के वो राज्य गृहमंत्री तक के पद पर आए। उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक गरीब आदमी भी चांद छू सकता है। उनकी प्रेरणा, उनकी जीवनी हम सबकी प्रेरणा होने की, इसी के लिए जय हिंद। पूर्व अध्यक्ष सरदार पटेल विचार समिति, मैं आपके चैनल को पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हम शहर से आए और हमारे बिना बताए हुए आए, मैं तो ये भी बात कह देता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पायलट जी की स्टैचू में नगर पालिका का बहुत बड़ा योगदान है। पहले सुदेश शर्मा जी ने हमें वहाँ जगह देकर वहाँ बनवाई, वहाँ क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो फिर अशोक माहेश्वरी जी ने हमें यहाँ जगह आवंटित की, वो मेरे विजयपाल सिंह के नाम ही वो यहाँ की जगह आवंटित हुई है। और उन्होंने ही फिर इसका हमने मूर्ति लगवाई, मूर्ति के बाद में सौंदर्यकरण आप लोगों ने ही इसका करवाया। और हम आपके चैनल के माध्यम से हमारा पूरा समाज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि इसका और सौंदर्यकरण कराया जावे और ये जो जगह पड़ी है इसको भी हमें ही अलॉट किया जावे। हम बस आपसे यही धन्यवाद देते हैं, आपकी नगर पालिका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय पायलट और जय भारत। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।